हम खड़े हैं खुर्जा नगर के बजाजा बाजार के अंदर, जहाँ कपड़ों की विशाल मार्केट है, जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। वहाँ योगी सरकार के 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान खुर्जा नगर पूर्ण रूप से बंद है। RDM और SSP ने भी नगर का दौरा कर जायजा लिया और देखा कि यहाँ पर लॉकडाउन पूर्ण रूप से बंद है, जिसका जो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी किया। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर के पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर 55 घंटे का लॉकडाउन बंद है। पुलिस और प्रशासन और लोगों की मेहनत के कारण कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए यहाँ पूरा मार्केट बंद हुआ पड़ा हुआ है। आप इस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। UMS न्यूज हमेशा आपको खबरों पर दिखा। पहले सब इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको शेयर की थी जो पहले एक चालू। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं जिलाधिकारी हूँ, ऐसे पूछने आया हूँ कि आपके घर में वो हेल्थ सर्वे स्वास्थ्य चेक वाला कोई लोग आए थे दो चार दिन पहले आए थे? अच्छा। मैं आपने सर्वे किया है, क्या है पूरा सर मामला? देखिए, अभी हम लोग खुर्जा तहसील के नगला मोहिदुद्दीनपुर में खड़े हैं। यहाँ बेसिकली रियलिटी चेक करने आए थे, क्योंकि अभी सरकार द्वारा 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक स्पेशल सर्विलेंस अभियान चल रहा है, जिसमें डोर टू डोर सर्वे करके ऐसे सभी सस्पेक्टेड लोगों को निकाला जा रहा है जिसमें कोरोना के लक्षण हों। तो उसी के संदर्भ में इस गांव का सर्वे ख़त्म हो चुका था 2 दिन पहले। जब मुझे पता लगा तो मैं हैं, कप्तान साहब हैं और पूरी टीम है। यहां लगभग इस गांव में जो बताया गया है 300 घर हैं, और हमने 2-3 घर वालों से पूछा तो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस है। यहां हम लोग 2-3 चीज़ एश्योर करवा रहे हैं कि टीम आई तो क्या परिवार के समस्त सदस्यों का चेक किया, एक दो से पूछ के निकल गए। यहाँ लोगों ने बताया कि जितने भी सदस्य हैं सबका स्वास्थ्य चेक हुआ है, और स्वास्थ्य चेक में थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर लेने के साथ साथ पूछा जाता है परिवार के कोई लोग बीमार तो नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों का ये भी रहता है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से जो रिकमेंडेड मेडिसिन हैं वो लोग ले रहे हैं या नहीं, या लोगों ने जो ऐप है उसका संबंधित ऐप हैं आयुष कवच हैं इनको डाउनलोड करके इनका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस रहा है। अभी देखिए कि कल रात 10 जुलाई के रात 10 बजे से लेकर 13 के 5 बजे सुबह तक लॉकडाउन भी है, जिसमें मासिव सफाई का अभियान चल रहा है। तो इसका भी निरीक्षण किया गया। हालाँकि इस गाँव में एक सफाई कर्मी है, थोड़ी बहुत सफाई दिखी है, और ज़्यादा सफाई करवाने के निर्देश दिए।